राम भगवान है वहाँ पे हनुमान तो रहेंगे ही दोस्तों। ये देखते हैं हनुमान जी यहाँ का इस तरह का प्रतिमा है, यहाँ पे पिलर इस तरह से तैयार किया गया है और इस तरह से यहाँ पे रस्सी के जरिए यहाँ पे ऊपर दिया जा रहा है दोस्तों। ये देखते हैं यहाँ पे ऊपर से यहाँ पे पंडाल देखिए तैयार किया जा रहा है और इस तरह से पिलर तैयार किया जा रहा है और सभी पिलर में यहाँ पे प्रतिमा बनाई गई। भाई लोग देखते हैं फोम वगैरह यहाँ पे इस तरह से काट रहे हैं और इधर बगल में दुर्गा माँ का प्रतिमा लगाया हुआ है और इस तरह का पिलर तैयार किया जा रहा है दोस्तों। ये पंडाल कैसा है? बहुत तगड़ा। देखने आया कि देखने आए हैं? इस बार का बेहतरीन पंडाल होने वाला ना भाई? बहुत भीड़ रहेगा, बहुत भीड़ रहने वाला। देखिए सब लड़का लोग देखने के लिए आया है। पंडाल कैसा लगने वाला इस बार? बजट अभी ये है 90 लाख के आसपास ही बजट है। 90 लाख का बजट है ना लगभग? लगभग ना भाई, दिल गदगद हो गया है यहाँ पे पंडाल को देख के, राम मंदिर का पंडाल को देख के दिल में गदगद हो गया। तो इस राम मंदिर का पंडाल तो बन ही रहा है दोस्तों, ये देख सकते हैं काफी भव्य और काफी बड़ा बन रहा है। लेकिन देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ी वगैरह सारा कुछ आ चुका है। ये स्वागत है तो हम आ चुके हैं आपको लेके ध्रुआ। बहुत लोग कॉमेंट था ना भाई कि राम मंदिर का जो पंडाल बन रहा है रांची में वो दिखाइए, और प्लस मतलब संक्षिप्त में यहाँ पे आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ। देख सकते हैं अभी हम लोग आ चुके हैं ध्रुआ में और जहाँ पे बनाया जा रहा है अयोध्या का प्रारूप, मतलब राम मंदिर, मतलब उसी तरह अयोध्या का जो राम मंदिर है ना यहाँ उठ के आ गया भाई झारखंड हमारे रांची में, और काफी बेहतरीन बनाया जा रहा है। कितना पंडाल में बजट है वो सारा कुछ बताऊंगा, और दिखने में तो काफी लाजवाब लग रहा है क्योंकि जो राम मंदिर है ना वो सच में अद्भुत है। पर पंडाल के द्वारा यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि अयोध्या का राम मंदिर किस तरह यहाँ पे बन रहा है दोस्तों। चलिए आप लोग को दिखाते हैं अयोध्या का राम मंदिर जो रांची ध्रुआ में बन रहा है दोस्तों, और काफी बड़ा और काफी भव्य बन रहा है। हर साल की भांति इस साल भी जो रांची का पंडाल जो है ना, अयोध्या वाला पंडाल इस बार सबसे बेहतरीन रहने वाला है, टॉप में रहने वाला है और रांची का सबसे बेहतरीन पंडाल में से एक रहने वाला है दोस्तों। फाइनली गाइस देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं ध्रुआ, और ध्रुआ में राम मंदिर का जो पंडाल है ना वो बन रहा है और बन के तैयार हो रहा है दोस्तों। इस तरह से देखने को मिलेगा। ये देख सकते हैं इसका एरिया जो है ना, ग्राउंड काफी बड़ा है, काफी भीड़ रहने वाला है, लाखों की संख्या में यहाँ पे लोग आने वाले हैं इस जगह पे। और ये देखिए भाई कितना शानदार बन रहा है ये राम मंदिर, जो काफी अद्भुत होने वाला है, रांची का सबसे बेहतरीन पंडाल में से एक होने वाला है ये राम मंदिर, देख सकते हैं दोस्तों। और राम मंदिर का पंडाल जो है ना वो काफी सुंदर लग रहा है और व्हाइट व्हाइट लग रहा है ना, उससे काफी अद्भुत लग रहा है, लोग यहाँ पे अट्रैक्टिव हो रहे हैं। नजदीक आ चुके हैं दोस्तों, ये देखते हैं इस तरह का पंडाल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये है राम मंदिर का पंडाल जो अयोध्या से उठ के डायरेक्ट झारखंड में आ चुका है। ये देखते हैं यहाँ पे लाखों का बजट आपको बताया जा रहा है, 90 से 95 लाख का बजट इस मंदिर को बनाने में लगा है दोस्तों। ये देख सकते हैं, चलिए हम लोग अंदर की तरफ जाते हैं और दिखाते हैं किस तरह का पंडाल का तैयारी किया जा रहा है, जो काफ़ी बेहतरीन का, काफ़ी बड़ा और काफ़ी भव्य बनाया जा रहा है। ये देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से शिला कर रहे हैं, ये देख सकते हैं भगवान का यहाँ पे मूर्ति इस तरह से बनाया जा रहा है जो काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। ये देखिए दोस्तों काफ़ी सुंदर लग रहा है, सभी यहाँ पे पिलर बनाया जा रहा है और इस तरह का लग रहा है ना कि सच में यहाँ पे मंदिर बन के रेडी हो चुका है। बांसी बांस देखने को मिलेगा और इसी बांस के लकड़ियों में यहाँ पे खड़ा है, देख सकते हैं ये राम मंदिर जो है ना, इसका पिलर देखिए कितना शानदार है। और ये देखते हैं मूर्ति वगैरह सारा कुछ बनाया गया है, सारे भगवान का प्रतिमाएं बनाई गई है, इधर भी सारा भगवान का प्रतिमा बनाई गई है जो काफी बेहतरीन लग रहा है भाई। ये देख सकते हैं अंदर की साइड देखिए कि आपको देखने को मिलेगा, जालीदार कपड़ा का यूज किया जा रहा है, व्हाइट कपड़ा देखने को मिल रहा है। ये देख सकते हैं जालीदार, जिसमें से फोम का यूज नहीं किया जा रहा, फोम का यूज करने से क्या होना, पानी आएगा तो फिर वो बर्बाद हो सकता है दोस्तों, इसीलिए व्हाइट कपड़ा का यूज किया जा रहा है। देख सकते हैं पूरा चारों तरफ आपको यहाँ पे सामान इस तरह से बिखरा हुआ बिखेरा गया है। और ये देखिए भाई किस तरह से यहाँ पे तैयारी किया जा रहा है, और इस साइड से देखिए राम मंदिर का दो वो काफी भव्य लग रहा है भाई, काफी बड़ा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये देख सकते हैं काफी बड़ा और काफी भव्य आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है राम मंदिर। ये पंडाल जो है ना वो रांची सबसे बेहतरीन पंडाल में से एक रहने वाला है दोस्तों, और 2024 का टॉप पंडाल में से एक रहने वाला है। ये देखते हैं इधर साइड में, और साइड साइड में देख सकते पिलर इस तरह तैयार किया जा रहा है, और इस तरह से लोग यहाँ पे इस तरह से तैयार किया जा रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पे अभी बांस से इस तरह से तैयार किया जा रहा है, और काफ़ी बेहतरीन तरीकों से यहाँ पे बांस से ही खड़ा किया गया है पूरा पंडाल को। ये देख सकते हैं काफ़ी बड़ा और काफ़ी भव्य है, और ये देख सकते हैं अभी सामान आ ही रहा है भाई, देख सकते हैं। भैया कहाँ से आए हुए हैं आप लोग, काम करने कहाँ से आए हुए हैं? कहाँ से काम करने आए? बंगाल से, कलकत्ता। बंगाल से? सारा मिस्त्री बंगाल का है। हाँ सुबह ही लग जाते हैं ना काम करने में? हैं सुबह से काम करते हैं ना? हैं सुबह 7 बजे काम। ये कपड़ा का, कपड़ा का बनता है भैया? हैं कपड़ा कपड़ा का बनता है ना। कब तक रेडी हो जाएगा ये? ओ 2-3 तारीख को रेडी हो जाएगा। दो तीन तारीख तो रेडी हो जाएगा ना। और पंडाल सस्ती खुल जाएगा?
सोचती नहीं दशमी तो बहुत दूर हो गया। पेंडल तो ओपनिंग हो जाएगा 4 तारीख को हो जाएगा। तो ये आप लोग बंगाल से आए ना भैया? लगभग कितना कारीगर होंगे यहाँ? 70 आदमी यहाँ काम कर रहे ना। तो एक साथ यहाँ पे 70 आदमी काम कर रहे हैं दोस्तों। ये देख सकते हैं भैया यहाँ पे लगे हुए हैं। चलिए इनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को यहाँ पे किस तरह से काम कर रहे हैं। ये देख सकते हैं भाई किस तरह का पंडाल आपको यहाँ पे बन के रेडी किया जा रहा है। ये देखिए भाई कितना बढ़िया है। यहाँ पे दिख रहा है लकड़ी का, लेकिन इसमें लगे कपड़ा इस तरह से यहाँ पे कपड़ा लगाया जा रहा है। देख सकते हैं भैया लोग के द्वारा। ये देखिए कितना बेहतरीन यहाँ पे कपड़ा लगाया जा रहा है। पूरा बारीकी से यहाँ पे काम हो रहा है। सभी बंगाल के मिस्त्री आए हुए हैं। बंगाल का मिस्त्री इस तरह से कारीगर कर देना भाई, लग रहा है कि सच में यहाँ पे राम मंदिर में हम लोग पहुँच गए हैं दोस्तों। ये क्या भाई पंडाल कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा तुमको पंडाल? कैसा बहुत तगड़ा देखने आया कि? हाँ भाई देखने आया। देखने आए हैं तो इस बार का बेहतरीन पंडाल होने वाला ना भाई? हाँ भाई बहुत भीड़ रहेगा। बहुत भीड़ रहने वाला है। देखिए सब लड़का लोग देखने के लिए आया। पंडाल कैसा लगने वाला है इस बार? बहुत अच्छा लगने वाला है। अब पूरा मेला में मजा लेने वाला ना? मुर्ख मजा लेगा ना? मजा तो लेंगे। पहली बार विधानसभा में लगा है इतना बड़ा पंडाल का। पहली बार लगा ना भाई? तो विधानसभा में पहली बार इस तरह का पंडाल देखने को मिल रहा है। तभी देखने के लिए आया है कि फोटो क्लिक करने के लिए? फोटो खिंचाने और फोटो खिंचा के लोगों को बताएगा कि यहाँ पंडाल बन रहा है, आइए यहाँ पे और मजा लीजिए पंडाल का ना भाई? ना भाई दिल गदगद हो गया यहाँ पे पंडाल को देख के। राम मंदिर का पंडाल को देख के दिल में गदगद हो गया। तो इस तरह पंडाल देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। ये देखिए कितना इधर से पीछे से लुक आपको किस तरह देखने को मिला, साइड लुक आपको इस तरह से देखने को मिल रहा है। ये देख सकते हैं साइड से दिखाते हैं दोस्तों पंडाल कितना भव्य और कितना बड़ा बन रहा है। ये देख सकते हैं कितना बड़ा आकार का बन रहा है और विधानसभा में पहली बार इस तरह का पंडाल बन रहा है दोस्तों। रांची का सबसे टॉप पंडाल में से एक रहने वाला है। ये देख सकते हैं भाई और किस तरह का पिलर तैयार किया जा रहा है, काफ़ी सुंदर लग रहा है। देख सकते हैं अभी और कलर होगा, अभी व्हाइट कलर चढ़ चुका है दोस्तों। ये देखते हैं व्हाइट वाला जो है बस इसमें कलर चढ़ने वाला है। ये देखते हैं कलर आपको इस तरह से चढ़ेगा, उसके बाद जो मंदिर का लुक होगा ना वो काफ़ी बेहतरीन। देख सकते हैं सामान वगैरह रखा गया है और ये देखिए भाई मंदिर का लुक जो है ना वो काफ़ी बेहतरीन लगने वाला है। ये देखते हैं काफ़ी बड़ा आकृति में आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, काफ़ी सुंदर लग रहा है। साकार चारों तरफ यहाँ पे सामान रखा हुआ है। ये देख सकते हैं गाड़ी गाड़ी में यहाँ पे सामान आता है दोस्तों। देख सकते हैं नज़दीक आके देख सकते हैं दोस्तों। ये देखिए हमारे लोग यहाँ पे ऊपर चढ़ चुके हैं और यहाँ पे किस तरह से मिस्त्री लोग बंगाल के मिस्त्री लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं दोस्तों। काफ़ी ऊंचा चोटी में चढ़ी हुई है। ये देखिए ऊपर की तरफ आपको देखने को मिल रहा है, ऊपर चोटी में भी यहाँ पे चढ़ के काम कर रहे हैं। और भाई दिखाते हैं यहाँ का इस तरह का पंडाल यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है, जो काफ़ी भव्य और काफ़ी बड़ा देखने को मिल रहा है। ये देख सकते हैं चारों तरफ आपको इस तरह का नज़ारा देखने को मिल रहा है। ये देखते हैं अभी बांस सारा कुछ ढका जा रहा है और ये राम मंदिर का पंडाल तो बन ही रहा है दोस्तों। ये देख सकते हैं काफ़ी भव्य और काफ़ी बड़ा बन रहा है, लेकिन देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ी वगैरह सारा कुछ आ चुका है। ये देख सकते हैं खिलौना वगैरह सारा कुछ आ रहा है, झूला वगैरह के लिए यहाँ पे तैयार किया जा रहा है। ये देखिए भाई यहाँ पे झूला वाला के लिए यहाँ पे तैयार किया जा रहा है। तो भाई यहाँ पे कौन कौन सा झूला लगने वाला है इस बार धुरुआ में? पूरा सेटअप लग रहा है लोहा वाला का। अच्छा लोहा वाला बड़ा वाला झूला मिलेगा क्या यहाँ लोगों को झूलने के लिए? सब लगेगा, सब टाइप का झूला, सब छोटा से लेके बड़ा तक। आप कौन वाला झूला लगा रहे हैं भैया? मौत कुआं लगा रहे हैं। मौत का कुआं? इस बार मौत का कुआं में क्या दिखाने वाले हैं? मौत वाला कहानी नहीं दिखाई भैया? नया आइटम इस बार दिखाएंगे। क्या नया आइटम है भाई? बहुत सारा है। अच्छा हर कुआं से अलग इसमें है। इसमें अलग है तो मौत का कुआं आप लोग बनाने वाले हैं ना? हाँ। तो मौत का कुआं के लिए देखिए यहाँ पे इस तरह से आपको तैयार किया जा रहा है लोहा का, जितना भी यहाँ पे इस तरह से तैयार किया जा रहा है देख सकते हैं दोस्तों। और ये देखिए यहाँ पे इस तरह से पूरा यहाँ पे सामान यहाँ पे रखा गया है और यहाँ पे सर्कस जो रेडी होने वाला ना वो काफी बेहतरीन लगने वाला है। देख सकते हैं मौत का कुआं के लिए इधर बन रहा है, उसके बाद इस तरह खिलौना वगैरह आ चुका है, सारा झूला यहाँ पे आ चुका है। काफी बड़ा बड़ा झूला लगने वाला है इस बार विधानसभा में देख सकते हैं दोस्तों। और सभी यहाँ पे अपना कारीगरी लोग अपना कारीगर कर रहे हैं देख सकते हैं यहाँ पे। भैया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो भैया जो राम मंदिर बन रहा है यहाँ पे, ये कहाँ का कारीगर मंगवाए हैं भैया? ये सब बंगाल का कारीगर है। अच्छा बंगाल का कारीगर है। कितना दिन में कम्प्लीट हो जाएगा भैया? ये लगभग आपको 5 तारीख तक कम्प्लीट करना है। 5 तारीख तक कम्प्लीट करना है। पंडाल कब ओपन होगा यहाँ का? 5 या 6 को ओपन होगा। 5 या 6 तारीख को मतलब षष्ठी को ओपन हो जाएगा ना भैया? तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मतलब क्या बन रहा है भैया पंडाल क्या बन रहा है? ये राम मंदिर बन रहा है, ये अयोध्या का ही प्रारूप है। अयोध्या का प्रारूप है? हाँ। अच्छा पूरा कमेटी मिलके यहाँ पे लगभग लाखों का बजट हो गया होगा भैया? हाँ बजट नहीं है अभी, 9 का आसपास 90 लाख का आसपास ही बजट है। 90 लाख का बजट है ना लगभग? लगभग। तो मतलब सुबह से शाम तक काम लगा रहता है ना भैया? हाँ। तो अभी आधा तैयार हो चुका है ना? हाँ रात को 1 बजे तक काम होता है, सुबह 7 बजे से लगता है। सुबह 7 बजे तक तो अगर पंडाल 6:60 को खुल जाएगा तो यहाँ पे लोगों का दर्शन होने लगेगा ना? हाँ, हाँ, माँ का दर्शन हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। देखिए भाई यहाँ पे ड्रैगन वगैरह आपको झूला वगैरह देखने को मिल रहा है और भैया जी देख सकते हैं इस तरह से काम कर रहे हैं यहाँ पे और इस तरह से सारे सामान को ले जा रहा है और देख सकते हैं व्हाइट ड्रैगन इधर पड़ा हुआ है। ये देखिए राम मंदिर जो है ना इस बार जो पंडाल बनने वाला है काफ़ी अद्भुत बनने वाला है दोस्तों। ये देख सकते हैं काफ़ी बड़ा और काफ़ी भव्य आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है।
दिखाते हैं आप लोग को, यहाँ देख सकते हैं अंदर की तरफ हम लोग घुस रहे हैं। ये देख सकते हैं फॉर्म वगैरह सब पड़ा हुआ है इधर, और अंदर का तरफ जो है ना वो उसका नज़ारा ही कुछ अलग मिलेगा। देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे दुर्गा माँ का यहाँ पे प्रतिमा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये देख सकते हैं दुर्गा माँ का प्रतिमा यहाँ पे लगा हुआ है। भाई लोग देखते हैं फॉर्म वगैरह यहाँ पे इस तरह से काट रहे हैं, और इधर बगल में दुर्गा माँ का प्रतिमा लगाया हुआ है, और इस तरह का पिलर तैयार किया जा रहा है दोस्तों। ये देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्म का पूरा पिलर यहाँ पे तैयार किया जा रहा है। काफ़ी मेहनत लग रहा है, इस बंगाल के जितने भी मिस्त्री यहाँ पे आए हुए हैं काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे फॉर्म कटिंग किया जा रहा है। ये देखिए भाई काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी सुंदर ढंग से यहाँ पे कलाकारी किया जा रहा है। ये देख सकते हैं, और दुर्गा माँ का प्रतिमा आपको इस तरह से देखने को मिल रहा है। ये देखिए अंदर का तरफ जो है ना उसका नज़ारा ही कुछ अलग है, और फोम को कटिंग करके किस तरह से काफ़ी बेहतरीन बनाया जा रहा है। ये देखिए और सभी बंगाल का कारीगर है। भैया बंगाल का कारीगर है ना, लगभग एक कब तक खुल जाएगा भैया? पूजा तक। ये देखिए भाई काफ़ी खूबसूरत पंडाल लग रहा है। ये अंदर से आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये अंदर तरफ का नज़ारा ही कुछ और है। ये देखिए भगवान का यहाँ पर प्रतिमा बनाई गई है, इधर भी भगवान का प्रतिमा बनाया गया है, देवी देवताओं का प्रतिमा यहाँ पे बनाया गया है। ये देख सकते हैं दोस्तों ये सारी देवी देवता का प्रतिमा इस पिलर में यहाँ पे बनाया गया है, जो काफ़ी सुंदर और काफ़ी भव्य लग रहा है। देखिए किस तरह से यहाँ पे चढ़ाया जा रहा है दोस्तों, ये देख सकते हैं यहाँ पे कलर इस तरह से चढ़ाया जा रहा है, और सभी पिलरों में इस तरह से कलर चढ़ाया जा रहा है। जो पूरा फोम का यहाँ पे पिलर इस तरह से तैयार किया गया है, और इस तरह से यहाँ पे रस्सी के जरिए यहाँ पे ऊपर दिया जा रहा है दोस्तों। ये देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर से यहाँ पे इस तरह से खींचा जा रहा है रस्सी के जरिए, और ये फॉर्म तैयार करके इस तरह से रखा गया है। ये देखिए पिलर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ऊपर की तरफ किस तरह से जा रहा है ये देखिए भाई देखने को मिलेगा। जहाँ राम भगवान है वहाँ पे हनुमान तो रहेंगे ही दोस्तों। ये देखते हैं हनुमान जी यहाँ का इस तरह का प्रतिमा आ चुका है, काफ़ी बेहतरीन बन रहा है, इसको कलर हो जाएगा उसके बाद और भी काफ़ी शानदार लगने वाला है। ये देखते हैं राम मंदिर जो है ना उसके आगे यहाँ पे भगवान यहाँ पे हनुमान जी रहेंगे, और इस तरह से यहाँ पे गाड़ी में यहाँ पे पूरा सामान आया हुआ, पूरा मूर्ति वगैरह आया हुआ है। ये देखते हैं काफ़ी यहाँ पे दुर्गा माँ का सारा कुछ यहाँ पे मूर्ति वगैरह आ चुका है दोस्तों। ये देखते हैं बाद देखिए भाई अभी शेर वगैरह उतर रहा है, इस तरह से देखने को मिल रहा है। ये देखते हैं गाड़ी में वो आया हुआ है, और इस तरह के यहाँ पे देखते हैं शेर वगैरह का प्रतिमा आ चुका है, और इस तरह से धीरे धीरे सारे प्रतिमा उतारा जा रहा है। फाइनली दोस्तों हम लोगों ने आप लोगों को पंडाल दिखा दिया, ध्रुवा का पंडाल दिखा दिया, जो काफ़ी बड़ा और काफ़ी भव्य बनाया जा रहा है। और इसका बजट की बात की जाए तो 90 से लेकर 95 लाख तक इसका बजट बताया जा रहा है। लगभग कोई कोई तो यहाँ पे यूट्यूबर 1 करोड़ बता रहे हैं, कोई 98 लाख बता रहे हैं, लेकिन भैया से बात किए तो बोले लगभग 90 लाख का यहाँ पे बजट बताया जा रहा है इस पंडाल का। और रांची का सबसे बड़ा और काफी भव्य पंडाल बनने वाला है इस बार, जो राम मंदिर का जो है ना वो प्रारूप यहाँ पे रांची झारखंड ध्रुवा में यहाँ पे लगाया जा रहा है पंडाल का, जो काफी बड़ा और काफी भव्य बनाया जा रहा है। लाखों का यहाँ पे लोग यहाँ पे आने वाले हैं इस मेले में, और इस मेला में जो है ना वो पंडाल षष्ठी को खुल जाएगा। तो अभी तक ये बन चुका है, इतना बन चुका है, और कितना बनने वाला है सारा का रिपोर्ट मैं आप लोग को इस चैनल में देने वाला हूँ, और शुरू से लास्ट तक अपडेट देखना है दोस्तों। षष्ठी को खुल रहा है, पंडाल जैसे खुलेगा वैसे ही वीडियो आप लोग को दिखाऊंगा, उसके लिए चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। वीडियो प्लीज अच्छा लगेगा तो लाइक करेगा, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जब भी हम वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपके पास चले जाए, और फटाक से मोबाइल निकाल के आप देख सकते हैं सारा पंडाल को। रांची का पंडाल पूरा देखना है तो मेरे चैनल में जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगेगा फिर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा कि इस बार जो पंडाल बनने वाला है रांची में ध्रुवा में वो राम मंदिर का बनने वाला है दोस्तों, जो काफी बड़ा और काफी भव्य बनने वाला है, और काफी बेहतरीन पंडाल में से एक रहने वाला है, नंबर 1 पंडाल में होने वाला है दोस्तों इस बार का। तो चलिए वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बता दें, वीडियो अच्छा लगे फिर लाइक करेगा, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करेगा, इस तरह वीडियो हमेशा लाता रहता हूँ, रांची को अपडेट करने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।